नमस्कार, मैं भानु प्रताप पंत, द प्रिंसिपल फ्रॉम डेली बॉल पब्लिक स्कूल अजमेर। आज हमारे स्कूल में एक मेजर हिस्टोरिकल डे है, जब हम मॉडल यूनाइटेड नेशन MUN DWPS 2 का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इनॉग्रेशन में हमारे पास चीफ गेस्ट के रूप में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मैडम डॉक्टर भारती, और हमारे जो जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं मिस्टर बिश्नोई, ये आके बच्चों को आशीर्वाद देंगे। इसमें 10 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये अजमेर के ही सबसे अच्छे स्कूल नहीं है, लेकिन अजमेर के बाहर से भी बहुत अच्छे स्कूल यहाँ पे आए हैं, जैसे हेरिटेज स्कूल उदयपुर है, और डेरीबल पब्लिक स्कूल जीरकपुर है, JK वाइट सेवन स्कूल कोटन है, म्यो बॉयज़ म्यो गर्ल्स मयूर स्कूल, बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़, सतगुरु स्कूल, और 10 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनियन की उत्पत्ति 1945 में हुई, और इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी उपलब्धि यूएन की रही है वो यह है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने दिया है। तो सारे एस्पेक्ट यूएन के, उनमें से जो बहुत ही रेलिवेंट एजेंडा हैं, उनको आने वाले 2 दिनों में ये स्कूल के बच्चे अपनी अपनी कमिटीज के थ्रू अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हुए उसके अंदर डिलिबरेट करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी बहुत मेजर रिसर्च की है। हमारे जो बच्चे हैं वो पिछले करीब अप्रैल से इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि जब आप UN में या जब आप लोकसभा में अपनी बात को कहना चाहते हैं तो उसका जो प्रोटोकॉल है, जो एक डेमोक्रेटिक वे है, वो किस तरह से किया जाता है। सो वी आर नॉट ट्रेनिंग देम टू बी लीडर्स ऑफ टुडे, बट वी आर ट्राइंग टू मेक देम एब्सोल्यूट चेंज मेकर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ टुमारो। दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी आर ट्रेनिंग देम विद दिस। और क्योंकि ये सारे के सारे अच्छे स्कूलों के बच्चे यहाँ आए हैं, और अब अपना इंटेलेक्चुअली अपने आप को परस्यू करेंगे और अब बहुत सारी चीज़ों को डिलिबरेट करेंगे, सीखेंगे, तो एक और अच्छा मकसद है कि जो सहोदय है, आदान प्रदान है, गिव एंड टेक है, ये स्कूलों में बहुत जरूरी है होना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सिमुलेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, पब्लिक स्पीकिंग, एंड डेफिनेटली नॉट लुकिंग एट प्रॉब्लम्स बट कमिंग आउट विद बेस्ट सोल्यूशन। ये आज की जो प्रोग्राम था उसका मुख्य उद्देश्य है, और आने वाले 2 दिनों में आई एम श्योर बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन बाहर आएंगे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। और जो टॉपिक्स देखे तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती कि बच्चे इतने 10 स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक ऐसे लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक पर कर रहे हैं जो बहुत, मतलब एक विचार जिसको हम कहते हैं ना कि आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्रांति समझ सकते हैं, उसको सूत्रपात होगा। आज से पहले किसी ने यूनाइटेड नेशंस की कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो भी एक विचार के तहत कहीं ना कहीं आया। अब चूंकि दुनिया सिमट रही है, और आज के युग में मैं इसको कहता हूँ कि वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो सीमाएं धीरे धीरे ख़त्म होंगी और हमें उस पर जाना होगा। मानव एक जाति है, और मानव के हिसाब से हो सकता है कल को वर्ल्ड पार्लियामेंट की एग्जिस्टेंस आ जाए। तो ये विचार ही है, कहीं ना कहीं से ये उत्पत्ति होगी। और जो ये टॉपिक्स लिए हैं, जो ये वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनकी फंक्शनिंग को लेकर उनमें क्या सॉल्यूशंस, क्या सुधार होने चाहिए, वो ये बच्चे जो है अपने दिमाग, जो ये बच्चे हैं आज की तारीख में बड़ा इंटेलिजेंट माइंड है और बहुत ही बच्चे सृजनशील कह सकते हैं, और एक उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अवेयर है आज की तारीख के टॉपिक्स को लेकर। तो मैं ये मानता हूँ कि सब बच्चे जो हैं ये जो एक नया विचार, एक नया एक थॉट प्रोसेस लेके आएंगे, जो आने वाले समय में सबको एक दिशा देंगे, एक लाइट देंगे, और एक विचार जो है आगे किसी न किसी मूर्त रूप में फलीभूत होगा, ये मेरी आशा है। और इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस ढंग से ये ऑर्गेनाइज़ किया है, निसंदेह बहुत ही अच्छे और काबिल तारीफ है। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। DWPS स्कूल ने मॉडर्न यूएन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, और ये 3 डेज इवेंट रहेगा। इसमें इन्होंने UN की ही तर्ज पर अलग अलग काउंसिल्स रखे हैं, और उसमें 10 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक्स आपने चूज़ किए वो बहुत कंटेम्प्रेरी हैं, बहुत रेलिवेंट हैं आज की जो
आवश्यकताएं हैं, जो आज की इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, और उन पे एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट इस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी जिस तरह से इन्होंने पूरा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसको कैसे चॉकआउट किया है, उसमें बच्चों की सेरेब्रल डेवलपमेंट है उनका, अलग अलग स्कूल्स के बच्चों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, वो एक पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर में कुछ नया सीखेंगे, और साथ ही साथ जो एक ओवरऑल पर्सनल